देश के लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है। पहले फेज में 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है। दूसरे दौर का प्रचार रफ्तार पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक में थे, दो रैलियों को उन्होंने संबोधित किया, कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कर्नाटक में बीजेपी की कई दिग्गज प्रचार के लिए पहुंचने वाले हैं। अगले 3 दिन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो करने वाले हैं। और इस धुआंधार प्रचार के मायने क्या कुछ होने वाले हैं, कैसे बीजेपी कर्नाटक के जरिए साउथ की चुनावी सियासत को साधने की तैयारी कर चुकी है, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। इस चुनाव में इंडिया अलायंस के लोग एक घिसी पीटी टैप रिकॉर्ड लेके घूम रहे हैं और मोदी और उसके साथी ट्रैक रिकॉर्ड के साथ बेंगलोर के लोगों से, आप सभी से फिर एक बार आशीर्वाद मांगने आया हूं। दोनों का प्रचार अभियान देख रहे हैं, कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप है, लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है। कर्नाटक में बीजेपी 1998 के बाद से लगातार दो डिजिट में सीटें जीतती रही है, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस 1998 के बाद किसी भी लोकसभा चुनाव में 9 सीट से ज्यादा जीत नहीं पाई है। कांग्रेस इसी ट्रेंड को बदलने का दावा कर रही है, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? कर्नाटक में कांग्रेस सिद्धारमैया सरकार के 5 गारंटी के सहारे है। सरकार का दावा है कि राज्य की 2/3 आबादी तक सरकारी योजनाएं पहुंचाई जा चुकी हैं। 5 गारंटी के साथ सरकार ने कुछ ही समय में यहां की सिचुएशन बिगाड़ दी। कांग्रेस ने टैग सिटी को टैंकर सिटी में बदलकर उसे वाटर माफिया के हवाले कर दिया। एग्रीकल्चर हो या फिर शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, हर जगह बजट को कट किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार का ध्यान सिर्फ करप्शन पर है, बेंगलुरु के लोगों की समस्याओं पर नहीं। कर्नाटक पहला राज्य है जहां बीजेपी ने सत्ता हासिल की थी, लिहाजा इस बार बीजेपी कमल की विजय पताका को कर्नाटक के 74 से दक्षिण के बाकी राज्यों में भी फहराने की कोशिश कर रही है। इन्हीं में एक राज्य केरल भी है। कर्नाटक की तरह ही केरल की सभी 20 सीटों के लिए दूसरे फेज में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। केरल वो राज्य है जहां पर अब तक बीजेपी का खाता नहीं खुल सका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार केरल का दौरा करते रहे हैं। पिछले दिनों तिरुवनंतपुरम की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि इस बार केरल में भारतीय जनता पार्टी डबल डिजिट में सीटें जीतेगी, लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? एक घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।